हेलो फ्रेंड्स, आज मैं घेवर की पारंपरिक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं सिंपल मलाई घेवर और चॉकलेट फ्लेवर की घेवर कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 कप से कम मैंने पानी लिया है और सबको हम लोग उबाल लेंगे। 1 तार की चाशनी हमें बनानी है और थोड़ा सा नींबू का रस दे दें, लगभग 1 चम्मच। अगर गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी भी दे सकते हैं। चाशनी हमें 1 तार की बनानी है, गाढ़ी नहीं रखनी है। और नींबू का रस देने से क्या होता है ना कि चाशनी पतली ही रहती है, गाढ़ी नहीं होती। और फ्रेंड्स, ये रबड़ी बना रही हूँ मैं, इंस्टेंट रबड़ी। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम दूध लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, मैंने मिल्क पाउडर भी डाला है लगभग 3 से 4 चम्मच। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर बढ़ा दें। और सबको हम लोग उबाल लेंगे गाढ़ी होने तक। ये देख लीजिए, ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं करना। और 2 चम्मच मैंने चीनी दी है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है तो चीनी कम ही रखें। और फिर हमें चाशनी भी डालनी होती है घेवर में, तो मिठास थोड़ी कम रहती है तो अच्छा लगता है। और रबड़ी को हम लोग बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैंने पिस्ता दिया है फ्रेंड्स, बस हमें ऐसी रबड़ी रखनी है। और फ्रेंड्स, एक मैंने परात ली है स्टील की, आप कोई भी बर्तन ले लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने घी ली है, घर में हमारे जो चम्मच होती है उससे अगर हम देखें तो 1.5 से 2 चम्मच होगी। और उसमें फ्रेंड्स मैंने 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। ये देखिए, क्यूब्स डालने से तुरंत घी हमारा जमने लगता है, उसको अच्छे से हम लोग फेटेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। अच्छे से हम लोग मिलाएंगे फ्रेंड्स। जब ये हो जाए, मिक्स हो जाए, तो हम लोग क्यूब्स को निकाल देंगे। क्यूब्स हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग हटा देंगे। और फिर जो हमारा घी है उसको अच्छे से फेटेंगे, घी को हमें अच्छे से फेटना है बिल्कुल क्रीमी होने तक। उसका कलर भी बदल जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें फिर हम लोग 1 कप मैदा डालेंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है फ्रेंड्स, इसको छान लेंगे, छान के और घी में अच्छे से इसको मिला लेंगे। अच्छे से इसको घी के साथ मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम लोग घोल तैयार कर लेंगे। पानी हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, ठंडा होना चाहिए, चिल्ड पानी होना चाहिए, फ्रिज का पानी होना चाहिए। अगर फ्रिज का पानी नहीं है तो नॉर्मल पानी में बर्फ़ के कुछ क्यूब्स डाल दें, आप आइस क्यूब्स डाल दें। हमेशा पानी ठंडा ही लें। फिर इस घोल को हम लोग अच्छे से फेटेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं करनी। और 1 कप पानी मैंने और दिया है, आप देख सकते हैं मैंने क्यूब्स डाली है उसमें। घोल को पतला रखेंगे, बहुत मोटा नहीं। 1 कप मैंने मैदा लिया है फ्रेंड्स, तो 2 कप पानी लग जाता है इसमें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में ही ज़्यादा पानी आप ना डाल दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ध्यान से हमें पानी डालना है। और फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैं इसमें नींबू का रस दे रही हूँ, 1 टेबल स्पून। इससे क्या होता है कि जो हमारा बैटर है, बैटर में जो घी है वो जमता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है, तो इसलिए नींबू का रस हमें डालना चाहिए। और फ्रेंड्स, उस बैटर को बिल्कुल ठंडा हमें रखना है, तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी और बर्फ़ के कुछ क्यूब्स डाल दिए हैं, उसके ऊपर मैंने इस घोल वाले बर्तन को रखा है। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, जितनी आपको यूज़ करनी है आप उतना निकाल लें। फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह का पतीला लिया है, जो नीचे से चौड़ा होना चाहिए, भारी तले का होना चाहिए, उस तरह का बर्तन लें। और हमेशा तेल को गर्म रखें फ्रेंड्स। जो गैस में 2 फ्लेम होती है, एक छोटी बर्नर होती है और एक बड़ी होती है, तो छोटी वाली में मैंने रखा है इसको। और तेल को बिल्कुल गर्म कर लिया है मैंने।
और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान हमें रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा भरना नहीं है बर्तन में। आप देख सकते हैं मैंने आधा से कम रखा है तेल, क्योंकि जब हम ठंडी और पतली घोल डालते हैं तो तेल बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स बैटर डालने के लिए मैंने इस तरह का पॉइंटेड बर्तन लिया है, कप लिया है, आप कलछी से भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग घोल को डालेंगे। फ्रेंड्स तेल हमेशा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में हम लोग नहीं डालेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो जालियाँ नहीं बनेंगी, फिर वो मालपुआ बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालेंगे, जब एक बार हम डालते हैं वो बैठ जाए उसका झाग, तब हम दूसरा घोल गिराएंगे, दूसरी बार घोल गिराएंगे। और फ्रेंड्स बीच में जगह बनाते जाएंगे इस तरह से, जब ये सेट हो जाएगा तो पीछे नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब ये हम लोग डाल देते हैं और ऊपर आ जाता है और घोल होल नहीं बनता बीच में, तो उसको पीछे की तरफ हम लोग चाकू से, चम्मच से, किसी भी चीज़ से हम लोग उसको धक्का दे के पीछे कर सकते हैं, तो बीच में होल जैसा हो जाता है, बिल्कुल बाजार जैसा आप देख सकते हैं। और ये कच्चा रहेगा तो पीछे काफ़ी आसानी से जाता है। इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा घोल करके डाल देंगे फ्रेंड्स और बना लेंगे, घबराना नहीं है, बहुत आसानी से बनता है ये। और ये देखिए किनारों को बिल्कुल छोड़ दिया है, अगर ना भी छोड़े तो चाकू की हेल्प से आप किनारे उसको छुड़ा के और इस तरह से निकाल लें। निकाल के फ्रेंड्स किसी जालीदार बर्तन पे रख दें ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, क्योंकि काफ़ी तेल एब्जॉर्ब करता है ये, जालीदार होता है। तो इस तरह से आप देखिए किसी जालीदार बर्तन में रख दें तो वो निकल जाता है। अब हम लोग दूसरा भी बना लेते हैं, तेल काफ़ी गर्म है, देखिए ऊपर आ जाता है बिल्कुल। अगर यही तेल हम लोग ज़्यादा ले लेंगे तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, गिर जाएगा, तो फिर ये खतरा भी हो सकता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तेल हमेशा नीचे रखें, बहुत ज़्यादा नीचे भी ना रखें, लेकिन आधा से थोड़ा कम रखें। और उलटना पलटना नहीं है फ्रेंड्स, एक ही तरफ ये पकता है घेवर। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बैटर, आप देख सकते हैं मैं कैसे डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर कर के और हम लोग बना लेंगे। अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें। मैंने एक कप में फ्रेंड्स तीन घेवर बनाए हैं, तीसरी वाली थोड़ी पतली बनी है, दो घेवर अच्छे बने हैं। अगर आपको मोटी बनानी है तो दो ही बनेगी, इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और बिल्कुल लाल होने का इंतज़ार ना करें फ्रेंड्स, लाइट ब्राउन होने पे इसको निकाल दें, क्योंकि इस अपनी गर्मी से भी ये पकता है, तो इसको निकाल दें इस तरह से। ठंडा होने पे हम लोग इसके ऊपर चाशनी डालेंगे, गरम घेवर पे हम लोग चाशनी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। और चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, अगर घेवर हमारा ठंडा है तो चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कंसिस्टेंसी चाशनी की इस तरह की है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालेंगे। अगर सिर्फ प्लेन घेवर बनाना हो तो आप एक के ऊपर एक रख के भी चाशनी डाल सकते हैं, मुझे अलग फ्लेवर की बनानी है इसलिए मैंने अलग प्लेट में रखा है। और जो मैंने रबड़ी बनाई है फ्रेंड्स वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इस पर गार्निश कर दें, उस पर डाल दें आप, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए। ये देखिए हमारा रबड़ी घेवर अब रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये दूसरी वाली जो घेवर है उस पर मैंने थोड़ी चॉकलेट फ्लेवर डाली है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी उसको मैंने ग्रेट करके डाल दी है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ग्रेट कीजिए, और नहीं तो फिर कोको पाउडर आपके पास हो तो आप रबड़ी में एक चम्मच डाल के चॉकलेट फ्लेवर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, थैंक यू।